गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। पिछली क्लास में आपने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, हम एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि पिछली क्लास में आपने क्या कुछ किया था। आपने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, फाइव डिजिट नंबर्स, यू कैन से कि किसी नंबर में से अगर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो प्रीडिसेसर है, जो पीछे वाला नंबर है, वो आ जाता है। किसी नंबर में से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नंबर हमें वापस मिलता है। तो ऐसा ही हमने किया था। तो अभी जो नई क्लास है उसमें हम शुरू करने वाले हैं आज इस सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। पहले हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज करते हैं, उसके बाद हम और आगे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जो फर्स्ट सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होगी कि when a number इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ we will get zero as a solution। कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, जीरो। जीरो क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें, जीरो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 7, 8, 9 2, 4, 2 -0 करेंगे तो ये 7, 8, 9, 4, 2 ही हमें जो नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये बड़ा नंबर है इसमें 0 करेंगे तो सेम मिल रहा है, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, चाहे इससे भी और बड़ा नंबर हम लें और उसमें से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेम का सेम जो नंबर है वो मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है इवन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर वी विल गेट द सेम नंबर एज सॉल्यूशन। मीन्स क्या हुआ कि हम अगर किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वो का वो सेम नंबर हमें एज ए सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे मैंने नंबर लिया 36, उसमें से जीरो किया तो हमें 36 ही मिल गया। 152 लिया, उसमें से जीरो किया तो 152 ही मिल गया। ये नंबर लेते हैं, उसमें से जीरो किया तो ये सेम ही मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर में से अगर हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वो का वो सेम नंबर हमें वापिस से मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर we will get its predecessor। when one is subtracted from any number we will get its predecessor। predecessor means पहले वाला या पहले आने वाला। बात करते हैं, कोई नंबर लिया हमने 13 -1 किया हमें 12 मिला तो 12 13 से पहले आता है, इट मींस 12 13 का प्रीडिसेसर हुआ। एक नंबर लेते हैं 6 2 4 5 3 1 -1 करेंगे तो 6 2 4 5 3 0, तो ये जो नंबर हुआ ये इस नंबर का प्रीडिसेसर हुआ। इट मींस किसी भी नंबर में से
अगर हम वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका जो प्रीडिसेसर है, जो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो हम इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ए नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ और नंबर ग्रेटर देन द नंबर। तो जो फोर्थ हमने प्रॉपर्टी की है कि ए नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ और ए नंबर ग्रेटर देन द नंबर, मींस क्या हुआ कि कोई भी एक नंबर है जो या तो खुद में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या तो उससे जो बड़ा होगा उसमें से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उससे जो छोटा नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मींस हम आपको लिख दिखाते हैं, हमने नंबर लिया 9, या तो इसको 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा सेम नंबर, या 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा 10 या 11 या 12 या 30 या कुछ भी 9 से जो बड़ा नंबर है। अगर हम कहें कि 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। इट मींस कि कोई भी अगर हम नंबर लेंगे तो वो तो या तो खुद के अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा या फिर उससे जो बड़ा नंबर है आने वाला उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि ए नंबर व्हेन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर देन द वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस डिजिट डिक्रीजेस बाय 1। When 10 is subtracted from any number, then the value of 10's place digit decreases by 1. Means क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर में से हम सिर्फ 10 subtract करते हैं तो उस नंबर का जो 10's place का जो digit होता है वो जो 1 कम हो जाता है और बाकी सारे के सारे नंबर सेम रहते हैं। जैसे नंबर लेते हैं 5, 6, 7, 8, 1's, 10's, 100's and 1000's, इसमें से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या बोला था कि जो 10's प्लेस का जो डिजिट है वो 1 कम हो जाता है। यहाँ पे 8 में से 0 गया तो 8 रहता है, 7 में से 1 कम किया 6, ये 6 एंड ये 5। तो आप डिफरेंस देखिए, ये जो नया नंबर आया इसमें जो 10's प्लेस का जो डिजिट है 6 वो यहाँ से 1 कम हो गया और कोई भी नंबर चेंज नहीं हुआ। ऐसे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है when 100 is subtracted from any number, then the value of 100's place digit decreases by 1। जब बात कर रहे थे 10 subtract करने की तो 10's place का जो digit था वो 1 कम हो रहा था। अब बात कर रहे हैं 100 की, तो 100 जब subtract होता है किसी नंबर में से तो जो 100's place का जो digit होता है वो 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही 8, 7, 5, 4, 5 आप देख सकते हैं ये 100's प्लेस का है डिजिट, तो ये 1 कम हो गया यहाँ से। इट मींस जब किसी भी नंबर में से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100's प्लेस का जो डिजिट होता है वो 1 कम हो जाएगा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी नंबर में से हम 1000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000's प्लेस का जो डिजिट है वो 1 डिक्रीज हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है ऐसे चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1000's प्लेस का जो डिजिट है 5 था वो 1 कम हो गया 4। आगे बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। क्वेश्चन लेते हैं 9364 प्लस 5836 माइनस
2, 8, 4, 9 हमने ये क्वेश्चन ले लिया जिसके अंदर एडिशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है। तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमने इसको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया है 6, 1, 10, 100s and 1000s, 6 and 4 होता है 10, 10 का कैरी एक यहां चला गया 6 and 1, 7 and 3, 10 फिर से कैरी है यहां चला गया 3 and 1, 4 and 8, 12 एक कैरी है यहां चला गया 5 and 1, 6 and 9, 15 इसका हमारा आंसर मिला 15,200। अब हमने ये सोल्व कर लिया है, इसका आंसर आया। अब जो ये आंसर आया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 9, 4, 8, 2। अब आंसर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां देखते हैं कि जीरो में से 9 तो जा नहीं सकता और कैरी लेना पड़ेगा हमें, तो कैरी लेने के लिए हम 2 से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, बट यहाँ 10 से फिर से कैरी लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 9 बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 था, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 2 था, एक कैरी ले ली तो एक बचा तो एक में से तो 8 जा नहीं सकता। इट मीन्स वी हैव टू टेक अनदर कैरी फ्रॉम 5, तो 5 की कैरी लेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2 एंड 1, ये हमें आंसर आया 1, 2, 3, 5, 1 मीन्स 12,351। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये तो था कि एडिशन है इसके अंदर और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ हैं तो हमें कैसे करना है, एक और समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे 8, 9, 2, 6, 6 and 1। उसके बाद उस पिछली बार हमने एडिशन का साइन लिया था, इस बार दोनों साइन सब्ट्रैक्शन के लेते हैं तो क्या होता है 2, 1, 3, 6 and 0 और एक और हम लेते हैं 4, 0, 3, 5 and 2। हमने इस बार दो सब्ट्रैक्शन के साइन लिए हैं तो शुरुआत करते हैं पहले इन दोनों से। तो हम लिखेंगे इसको 2, 1, 3, 6, 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से तो 1 में से 0 गया 1, 6 में से 6 गया 0 और यहां पे 2 में से 3 जा नहीं सकता तो यहां से कैरी लेंगे तो यहां 12 हो जाएगा, यहां 8 रह जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, 8 में से 1 गया 7 एंड यहां 8 में से 2 गया 6, हमारा 67,901 जो है इसका अभी तक इस दोनों का आंसर हमें मिल गया। बट हमारी अभी एक और नंबर हमारा रहता है तो हम इसको अभी फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 0, 3, 5 and 2। अब देखेंगे कि 1 है, 1 में से 2 जा नहीं सकता तो इट मीन्स हम कैरी लेंगे बट यहाँ 0 है, 0 से कैरी नहीं उठाएंगे, उठाई नहीं सकते क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, बट 9 से कैरी उठाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 से फिर से कैरी उठाएंगे तो ये 11 हो जाएगा एंड ये जो है वो 9 बच जाएगा तो 11 में से 2 गया 9 एंड ये यहाँ पे 8 बच गया था, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, ये 7 और ये 2, 27,549 है जो हमारा इसका आंसर आया है। तो आप समझ गए होंगे कि एक लाइन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो सही किया है या गलत किया है तो उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। इस सब्ट्रैक्शन को हम चेक करेंगे एडिशन करके, कैसे लेंगे 90264 और एक और लेते हैं 27276 24, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यहां से कैरी लिया 10 हो गया, फिर कैरी लिया 12 हो गया, यहां 9 बच गया, 12 में से 6 गया 6, ये 9 में से 7 गया 2
एंड ये 8 था, 8 में से 2 गया 6, हमारा आंसर आया 62,648। इसको बोला जाता है, इनको नाम देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, इनको नेम्स देते हैं, इसको बोला जाता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसको बोलते हैं मैन्यून मैन्यून, और इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड, इसको बोला जाता है डिफरेंस, इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड, इसको बोलते हैं मैन्यून। जिस जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है जिसके अंदर से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है मैन्यून। ये सबसे बड़ा जो नंबर था इसके अंदर से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मैन्यून हो गया। जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड, और इन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलता है डिफरेंस। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आया वो ठीक है या नहीं है। तो हम बात करते हैं कि डिफरेंस के अंदर जब सब्ट्राहेंड को हम ऐड कर देंगे, हाँ डिफरेंस के अंदर जब सब्ट्राहेंड को ऐड कर देंगे तो अगर हमें मैन्यून मिलता है तो इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन है वो ठीक है। ऐड करके देखते हैं 4, 6, 12, 10 and 9। तो देखिए ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो डिफरेंस था वो ठीक था। तो आप लिख लीजिए कि मैन्यून माइनस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। आप लिख लीजिए मैन्यून माइनस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। उसके बाद बात आती है कि डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू मैन्यून। और जो थर्ड इससे हमें जो मिलता है कि मैन्यून माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू सब्ट्राहेंड। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि किसको क्या नाम दिया जाता है, किसको क्या नाम दिया है हमने। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मैन्यून, एंड उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड, एंड जो आंसर मिलता है हमें उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो इन तीनों के अकॉर्डिंगली हमें हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनती हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया था, चेक करना था तो डिफरेंस। अब सबसे पहले हम हमारी जो ये जो इक्वेशन थी वो यहाँ लग गई है, मैन्यून माइनस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस हमारा आ गया है। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड लगाते हैं डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड। तो डिफरेंस था, हमने ऐड क्या किया, सब्ट्राहेंड को ऐड किया और हमें क्या मिला, ये मैन्यून। ऐसे ही अगर इसमें से हम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा सब्ट्राहेंड जो आंसर आ जाता। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। अब जो आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके सिर्फ इसी इन्हीं तीनों इक्वेशंस के ऊपर आने वाले हैं। तो आप इन इक्वेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान से रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा। और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड मिसिंग नंबर्स। के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से अगर कुछ नंबर ही मिस हो, पूरा नंबर ही ना हो, तो हम उस नंबर को कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। अब हम इक्वेशंस का यूज करेंगे, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूं और हम ट्राई करें। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें पता है कि ऊपर कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर होने वाला है जिसकी हेल्प से हमें, हमारे पास ये क्या है, डिफरेंस है। हमें पता है कि इसको डिफरेंस बोला जाता है, इसको सब्ट्राहेंड बोला जाता है,
एंड यहाँ पे जो आता है वो मैनिमेंट होता है। तो हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि हमें दो चीज दी हुई है और हमें मैनिमेंट निकालना है, तो मीन्स किससे निकलेगा, डिफरेंस प्लस सबट्रैक्शन इज इक्वल टू मैनिमेंट। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो आंसर में मिलेगा हमें, तो इनको जोड़ देते हैं 5 and 3 8, 7 and 2 9, 9 and 5 14, या कैरी आ गया 3 4 and 2 6, 8 and 4 12, और ये 6 and 2 8, ये हमारे पास है आंसर इसका आ गया। मींस ये क्या आया हमारा मैनिमेंट, मींस इस नंबर में से ये नंबर जो था वो सब्ट्रैक्ट किया तो हमें डिफरेंस मिला। तो आप समझ गए हैं कि हमें ये इक्वेशंस इक्वेशन कैसे लगानी है, जो दो चीजें दी हुई हैं इनको देखना है और थर्ड चीज सॉल्यूशन में हमें निकल जाएगी। हाँ जी, एक और समझ लेता हूँ, उससे शायद आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, जो लास्ट में जो सॉल्यूशन आता है उसको क्या बोला जाता है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6 2 8 5 3 माइनस में कुछ नंबर है और हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 2 2 4 8 and 1। तो हमें पता है कि इस नंबर को क्या बोला जाता है मैनुएंट, और ये क्या है डिफरेंस। यहां क्या होगा सबट्रैक्ट। अब हम देखेंगे इन इक्वेशंस में से कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, मैनुएंट में प्लस मैनुएंट माइनस डिफरेंस करेंगे, मीन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो सबट्रैक्ट का आएगा। तो हम माइनस करते हैं, 3 में से बन गया 2, यहां कैरी लिया तो 7 बच गया, 15 हो गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 2 एंड 4 हमारे पास जो आंसर आया यहां का ये आया 4 2 0 3 7 2, मींस ये हमारा क्या है सबट्रैक्ट है। तो हमने देखा कि इन तीनों इक्वेशन में हमें सबट्रैक्ट निकालना था, तो सबट्रैक्ट का जो निकालने के लिए जो हमें इक्वेशन चाहिए थी वो ये नीचे वाली इक्वेशन जो चाहिए थी वो हमने लगा दी और इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर जो है हमें मिल गया। वर्ड प्रॉब्लम्स, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड From 9826 to get 3765 answer। क्या पूछा है कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें ये मिल जाए। हम लिखेंगे इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ये मिल जाए। हमें पता है कि इसको डिफरेंस बोलते हैं, इसको मैनुएंट बोलते हैं, और ये जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमें इसकी इक्वेशन का पता है कि जब सब्ट्रैक्ट निकालना होता है तो मैनुएंट में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 6 में से 5 गया 1, यहां से कैरी लिया 12 हो गया, 7 बच गया, 12 में 6 गया 6, ये 7 में 7 गया 0 एंड ये 6 हमारा आंसर आ गया। तो ये जो आंसर हुआ ये किसका हुआ सबट्रैक्ट का। तो आप समझ गए होंगे कि आंसर कैसे निकल गया, हमें उन इक्वेशंस की हेल्प से ये आंसर्स निकलेंगे। एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उसके साथ आपका जो ये सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है हम उसको एंड करते हैं। कि देयर आर देर आर 1220 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आउट ऑफ विच 1074 आर बॉयज एंड 226 टीचर्स।
फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आंसर। हमें बोला है कि किसी स्कूल में 1220 स्टूडेंट्स हैं एंड उनमें से 1074 जो है वो बॉयज हैं एंड 226 जो है टीचर्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की जो है संख्या है, जो सॉल्यूशन है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया, और हमें तो गर्ल्स निकालनी है तो हम इसमें से बॉयज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट हमें इन्होंने हमें पजल करने के लिए 226 टीचर्स भी दिए हैं, तो हमें पता है कि गर्ल्स और बॉयज आते हैं स्टूडेंट्स में, तो हमें जब टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स ही बचेंगे, तो टीचर्स का उनमें कोई भी रोल नहीं है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमें खुद से अपना माइंड लगा के इस चीज को निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है और हमें सॉल्यूशन के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 6 आ गया, 12 में से ये 1 बचा, अब यहाँ तो 1 बचा, तो 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 7 गया, क्या बचा 4, एंड ये 1 में से 0 गया 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितने मिली, 146। तो इसी के साथ आपका सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो आज खत्म हो जाता है। आपको जो भी इसके वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट्स मिलते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप जो स्कूल का ग्रुप है उसमें भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो कभी भी किसी भी टाइम आप स्कूल ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो हमसे जुड़ सकें और घर बैठे स्टडी कर सकें। थैंक यू।